मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय एक। इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, और याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा से फिरिस, और यहूदा और तामार से जोरह उत्पन्न हुए, फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ, और हिस्रोन से राम उत्पन्न हुआ, राम से अम्मी नादाब उत्पन्न हुआ, और अम्मी नादाब से नहशोन, और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, सलमोन और राहब से बोज उत्पन्न हुआ, बोज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ, यिशै से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ, दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो पहले उरियाह की पत्नी थी, सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, और रहबाम से अबियाह उत्पन्न हुआ, और अबियाह से आसा उत्पन्न हुआ, आसा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, और यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ, और योराम से उज्जियाह उत्पन्न हुआ, उज्जियाह से योताम उत्पन्न हुआ, और योताम से आहाज उत्पन्न हुआ, और आहाज से हिजकियाह उत्पन्न हुआ, हिजकियाह से मनश्शिह उत्पन्न हुआ, और मनश्शिह से आमोन उत्पन्न हुआ, और आमोन से योशियाह उत्पन्न हुआ, और बंदी होकर बाबुल जाने के समय में योशियाह से यकुन्याह और उसके भाई उत्पन्न हुए। बंदी होकर बाबुल पहुंचाए जाने के बाद यकुन्याह से शालतियेल उत्पन्न हुआ, और शालतियेल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ, जरुब्बाबिल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, और अबीहूद से इल्याकीम उत्पन्न हुआ, और इल्याकीम से अजोर उत्पन्न हुआ, अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, और सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ, और अखीम से इलीहूद उत्पन्न हुआ, इलीहूद से इलियाजार उत्पन्न हुआ, और इलियाजार से मत्तान उत्पन्न हुआ, और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, जिससे यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। इब्राहिम से दाऊद तक सब 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बाबुल को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बाबुल को पहुंचाए जाने के समय से लेकर मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ, जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों की सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से मत डर, क्योंकि जो उसके घर में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ ये है परमेश्वर हमारे साथ। सो यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आया, और जब तक वो पुत्र न जनी तब तक वो उसके पास न गया, और उसने उसका नाम
यीशु रखा। अध्याय दो। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इसराइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा, तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था? और उसने ये कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वो मिल जाए तो मुझे समाचार दो कि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। वो रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया। हेरोदेस के मरने तक वो वहीं रहा, इसलिए कि वो वचन जो प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, पूरा हो। जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ ठट्ठा किया है तब वो क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों से ठीक ठीक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के व उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हुआ कि रामाह में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप, राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी क्योंकि वे हैं नहीं। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा, उठ बालक और उसकी माता को लेकर इसराइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। वो उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इसराइल के देश में आया, परंतु ये सुनकर कि अर्खिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है वहां जाने से डरा और स्वप्न में चेतावनी पाकर गलील देश में चला गया। वो नासरत नाम नगर में जा बसा कि वो वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वो नासरी कहलाएगा। अध्याय 3।
उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई थी कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। ये यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का पटुका बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वन मधु था। तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यर्दन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकल आए और अपने अपने पापों को मानकर यर्दन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, मन फिराओ के योग्य फल लाओ। अपने अपने मन में ये ना सोचो कि हमारा पिता इब्राहिम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है, वो अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। उस समय यीशु गलील से यर्दन के किनारे पर यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना ये कहकर उसे रोकने लगा कि मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अभी तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। उसने उनकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊपर आते देखा और ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। अध्याय 4। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि इबलीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। अंत में उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। उसने उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इबलीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर शैतान
उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उनका विभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्ग दूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जब उसने ये सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो वो गलील को चला गया। वो नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नपताली के देश में है जाकर रहने लगा कि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। जबूलून और नपताली के देश झील के मार्ग से यर्दन के पार अन्य जातियों का गलील। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा। वे मछुए थे। उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए और वहां से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा। उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। सारे सूर्या में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में पड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वालों और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। और गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया से और यर्दन के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली। अध्याय 5। वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें ये उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने
उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके की बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी तल न जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वो स्वर्ग के राज्य से सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तुम सुन चुके हो, पूर्व काल के लोगों से कहा गया था हत्या न करना, और जो कोई हत्या करे वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करे वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहे वो महासभा में दंड के योग्य होगा। जो कोई कहे अरे मूर्ख, वो नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। जाकर पहले अपने भाई से मेल कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे शीघ्र मेल कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर न दे, तब तक वहां से छूटने न पाएगा। तुम सुन चुके हो, कहा गया था व्यभिचार न करना। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, यदि कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। और यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नाश हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। ये भी कहा गया था, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग दे तो उसे त्याग पत्र दे। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से छोड़े तो वो उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से ब्याह करे वो व्यभिचार करता है। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, कभी शपथ न खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वो परमेश्वर का सिंहासन है, न धरती की,
क्योंकि वो उसके पावों की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वो महाराजा का नगर है। अपने सिर की भी शपथ न खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है। तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। तुम सुन चुके हो, कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, बुरे का सामना न करना। परंतु यदि कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे, तो उसे दोहर भी ले लेने दे। जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए, उसके साथ दो कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। तुम सुन चुके हो, कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है, और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो, तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? और यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो, तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अध्याय 6। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। इसलिए जब तू दान करे, तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसा कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, कि लोग उनकी बढ़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं, वे अपना फल पा चुके। जब तू दान करे, तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, कि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और जब तू प्रार्थना करे, तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे, तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने
अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसी ही तू हमारे अपराधों को भी क्षमा कर और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। क्योंकि यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं कि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, कि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न सेंध लगाते न चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। शरीर का दिया आंख है, यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वो उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं तुमसे कहता हूं, अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं न काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली सोसनों पर ध्यान करो, वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते न काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वो क्यों कर न पहनाएगा? इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। अध्याय 7। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो
उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता, जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांवों तले रौंदें और पलटकर तुमको फाड़ डालें। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, वह मछली मांगे तो वो उसे सांप दे। सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्य द्वक्ताओं की शिक्षा यही है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और चाकल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं, क्योंकि सकेत है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। झूठे भविष्य द्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िये हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने
अपना घर चट्टान पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वो नहीं गिरा क्योंकि उसकी नेव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वो उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़े आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वो उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश देता था। अध्याय 8। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और तुरंत वो कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। और जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं और सिपाही मेरे हाथ में हैं। जब एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे को आ तो वो आता है, और अपने दास से कहता हूं ये कर तो वो करता है। ये सुनकर यीशु ने अचंभा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे ये भी कहता हूं कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। यीशु ने तब सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा, उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया, और वो उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वो उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी। उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारियों को चंगा किया, कि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु ने अपने चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखकर उस पार जाने की आज्ञा दी, और एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे जाने दे कि पहले अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे।
जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ठपने लगी और वो सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, और लोग अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है, आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। जब वो उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था, और देखो उन्होंने चिल्लाकर कहा, परमेश्वर के पुत्र हमारे तुझसे क्या काम, क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे ये कहकर विनती की कि यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। वे निकलकर सुअरों में बैठ गए, और देखो सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर पानी में जा गिरा और डूब मरा। चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं उनका सारा हाल सुनाया, और देखो सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की, हमारे सिवानों से बाहर निकल जा। अध्याय 9। फिर वो नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग एक झोले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा, तुम लोग अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? परंतु ये इसलिए है कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने झोले के मारे हुए से कहा, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नाम एक मनुष्य को महसूल की चौकी पर बैठा देखा। उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो लिया, और जब वो घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुतेरे महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। ये देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर उनसे कहा, वैद्य की आवश्यकता भले चंगों को नहीं परंतु बीमारों को होती है। तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैवंद पुराने पहरावन पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि नया पैवंद पहरावन से कुछ और खींच लाता है और वो अधिक फट जाता है, और नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं
और दाखरस बह जाता है और मशके नाश हो जाती हैं। नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वे दोनों बची रहती हैं। वो उनसे ये बातें कर ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया और देखो, एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। वो स्त्री चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा, उसने बांसली बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा। उसने उनसे कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वो उसकी हंसी करने लगे। जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वो जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को न जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए, और जब दुष्टात्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा, और भीड़ ने अचंभा करके कहा, इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, ये तो दुष्टात्मा के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। और यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों की नाई जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पक्के खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दें। अध्याय 10। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। 12 प्रेतियों के नाम ये हैं, पहला शमौन जो पतरस कहलाता है, और उसका भाई अंद्रियास, जब्दी का पुत्र याकूब, और उसका भाई यूहन्ना, फिलिप्पुस और बरतुल्मै, थोमा और महसूल लेने वाला मत्ती, हलफे का पुत्र याकूब और तद्दै, शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती, जिसने उसे पकड़वा भी दिया। इन 12 को यीशु ने ये आज्ञा देकर भेजा कि अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इसराइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। चलते चलते प्रचार कर कहो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्टात्माओं को निकालो। तुमने सेंत मेंत पाया है, सेंत मेंत दो। अपने पटुकों में न सोना न रूपा और न तांबा रखना। मार्ग के लिए न झोली रखो, न दो कुर्ते, न जूते और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जिस किसी नगर या गांव में जाओ, पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है।
जब तक वहां से न निकलो उसी के यहां रहो और घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारे पास लौट आएगा। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी बातें न सुने उस घर या उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो। मैं तुमसे सच कहता हूं, न्याय के दिन उस नगर की दशा से सदोम और अमोरा के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों की नाई भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, सो सांपों की नाई बुद्धिमान और कबूतरों की नाई भोले बनो, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएं तो ये चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। जब वे तुम्हें एक नगर में सताएं तो दूसरे को भाग जाना। मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम इसराइल के सब नगरों में न फिर चुकोगे कि मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं और न दास अपने स्वामी से। चेले का गुरु के और दास का स्वामी के बराबर होना ही बहुत है। जब उन्होंने घर के स्वामी को शैतान कहा तो उसके घर वालों को या ना कहेंगे, सो उनसे मत डरना, क्योंकि कुछ ढपा नहीं जो खोला न जाएगा और न कुछ छिपा है जो जाना न जाएगा। जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूं उसे उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे कोठों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। क्या पैसे में दो गरइये नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं। तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उसका मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। ये ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने को आया हूँ। मैं मिलाप कराने को नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरे योग्य नहीं, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वो मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वो उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वो उसे पाएगा। जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। जो भविष्यद्वक्ता को भविष्यद्वक्ता जानकर ग्रहण करे वो भविष्यद्वक्ता का बदला पाएगा, और जो धर्मी जानकर धर्मी को ग्रहण करे वो धर्मी का बदला पाएगा। जो कोई इन छोटों में से एक को चेला जानकर केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, मैं तुमसे सच कहता हूं वो किसी रीति से अपना प्रतिफल न खोएगा। अध्याय 11। जब यीशु अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुका तो वो उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चला गया।
यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उससे ये पूछने भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बाट जो हैं? यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो कि अंधे देखते और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर न खाए। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगा, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, वरन भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। ये वही है जिसके विषय में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वो उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यद्वाणी करते रहे, और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था वो यही है। जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसली बजाई और तुम ना नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। क्योंकि यूहन्ना न खाता आया और न पीता, और वे कहते हैं कि उसमें दुष्टात्मा है। मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया, और वे कहते हैं, देखो पेटू पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। पर ज्ञान अपने कामों से सच्चा ठहराया गया है। तब वो उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुतेरे सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझमें किए गए हैं यदि सदोम में किए जाते तो वो आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, तेरा मैं धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। अध्याय 12। उस समय यीशु विश्राम के दिन खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेलों को भूख लगी, सो वे बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने ये देखकर यीशु से कहा, देख तेरे चेले वो काम कर रहे हैं जो विश्राम के दिन करना उचित नहीं।
उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वो और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वो परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाईं, जिन्हें खाना न तो उसे और न उसके साथियों को पर केवल याजकों को उचित था। या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन मंदिर में विश्राम के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते कि मैं दया से प्रसन्न हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो विश्राम के दिन का भी प्रभु है। वहां से चलकर वो उनकी सभा के घर में आया और देखो, एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था, और उन्होंने उस पर दोष लगाने के लिए उससे पूछा कि क्या सबके दिन चंगा करना उचित है? उसने उनसे कहा, तुम में ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वो सब्त के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वो उसे पकड़कर ना निकाले? मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। तब उसने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वो फिर दूसरे हाथ की नाई अच्छा हो गया। तब फरीसियों ने बाहर जाकर यीशु के विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नाश करें। ये जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए, और उसने सबको चंगा किया और उन्हें चिताया कि उसे प्रकट न करें, कि जो वचन यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो कि देखो, ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय, जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वो अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वो न झगड़ा करेगा और न धूम मचाएगा और न बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वो कुचले हुए सरकंडे को न तोड़ेगा और धुआं देती हुई बत्ती को न बुझाएगा जब तक न्याय को प्रबल न कराए, और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए, और उसने उसे अच्छा किया और वो गूंगा बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, ये क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने कहा, ये तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्ट आत्मा को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वो उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना ना रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य क्यों कर बना रहेगा? और यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल कैसे लूट सकता है जब तक कि पहले उस बलवंत को न बांध ले, और तब वो उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिथराता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात करेगा उसका ये अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहे उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बात कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है? और मैं
तुमसे कहता हूँ कि जो भी निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन एक एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इस पर कितने शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु यूनुस भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। यूनुस तीन रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र तीन रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। नीनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहां वो है जो यूनुस से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वो सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तब वो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। वो आकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वो जाकर अपने से और बुरी सात आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठ कर वहां वास करती है, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। जब वो भीड़ से बातें कर ही रहा था तो देखो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। ये सुन उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। अध्याय 13। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो नाव पर चढ़ गया, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही, और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। उसने कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें मिट्टी न मिली, और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उगाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले। और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वो भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके विषय में यशाया की भविष्यवाणी पूरी होती है कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं, कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत भविष्यद्वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर ना देखें, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। सो तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो।
जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वो दुष्ट आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो मार्ग के किनारे बोया गया था और जो पथरीली भूमि पर बोया गया। ये वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना पकड़ने के कारण वो थोड़े ही दिन का है। और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, ये किसी बैरी का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, ऐसा नहीं, न हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के एक दाने के समान है जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों से छोटा तो है, पर जब बढ़ जाता है तब सब साग पात से बड़ा होता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वो सब खमीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही और बिना दृष्टांत वो उनसे कुछ न कहता था कि जो वचन भविष्य वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो कि मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा, उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं प्रकट करूंगा। तब वो भीड़ को छोड़कर घर में आया और उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, खेत के जंगली दाने का दृष्टांत हमें समझा दें। उसने उनको उत्तर दिया कि अच्छे बीज का बोने वाला मनुष्य का पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य के संतान और जंगली बीज दुष्ट के संतान है। जिस बैरी ने उनको बोया वो शैतान है। कटनी जगत का अंत है और काटने वाले स्वर्ग दूत हैं। सो जैसे जंगली दाने बटोरे जाते और जलाए जाते हैं वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की नाई चमकेंगे। जिसके कान हों वो सुन ले। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठी की और निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्ग दूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे। वहां रोना और दांत पीसना होगा। क्या तुमने ये सब बातें समझी?
उन्होंने उससे कहा, हाँ। उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग के राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने देश में आकर उनकी सभा में उन्हें ऐसा उपदेश देने लगा कि वो चकित होकर कहने लगे, इसको ये ज्ञान और सामर्थ्य के काम कहाँ से मिले? क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं? क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों का नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं? क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको ये सब कहाँ से मिला? सो उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने वहाँ उनके अविश्वास के कारण सामर्थ्य के अनेक काम नहीं किए। अध्याय 14। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं। हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, इसको रखना तुझे उचित नहीं है, और वो उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि वो उसे भविष्यद्वक्ता जानते थे। और वो उसे मार डालना चाहता था पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता जानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया, इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि जो कुछ तुम मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वो अपनी माता की उसकाई हुई बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यही मुझे मंगवा दे। राजा दुखित हुआ पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी, दे दिया जाए, और जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया। वो उसको अपनी माँ के पास ले गई और जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया। वो उसको अपनी माँ के पास ले गई। उसके चेलों ने आकर उसकी लोथ को ले जाकर गाड़ दिया और यीशु को इसका समाचार दे दिया। जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया। लोग ये सुनकर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को और सब खाकर तृप्त हो गए। और उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के अटकल थे। और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वो उससे पहले पार चले जाएं। इतने में वो लोगों को विदा करते। वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी
क्योंकि हवा सामने की थी और वो रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, वो भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। वे पार उतरकर गन्नेसरत देश में पहुंचे और वहां के लोगों ने उसे पहचान कर आसपास के सारे देश में कहला भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वो उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे। जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। अध्याय 15। तब यरूशलेम से कितने फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पुरोहितों की रीतियों को क्यों टालते हैं? वे बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी रीतियों के कारण परमेश्वर की आज्ञा क्यों टालते हो? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। पर तुम कहते हो, यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वो परमेश्वर को अर्पित किया जा चुका है, तो वो अपने माता पिता का आदर न करे। सो तुमने अपनी रीतियों के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियो, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक ही की है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने ये वचन सुनकर ठोकर खाई है? उसने उत्तर दिया, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। उनको जाने दो, वे अंधे मार्ग दिखाने वाले हैं। अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। ये सुनकर पतरस ने उससे कहा, ये दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझ हो? क्या नहीं समझते कि जो कुछ मुंह में जाता वो पेट में पड़ता है और संडास में निकल जाता है? पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया, और देखो उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती आती है। उसने उत्तर दिया, इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और उसे प्रणाम कर कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो।
और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। यीशु वहां से चलकर गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर वहां बैठ गया और एक बड़ी भीड़ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और बहुत औरों को लेकर उसके पास आई और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया। उसने उन्हें चंगा किया। सो सब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगड़े चलते और अंधे देखते हैं, तो अचंभा करके इस्राएल के परमेश्वर की बढ़ाई की। यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटियां मिलेंगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त कर सके। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को ले धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों को। सो सब खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4,000 पुरुष थे। तब वो भीड़ को विदा कर नाव पर चढ़ गया और मगदन देश के सिवानों में आया। अध्याय 16। और फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें आकाश का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो कि आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धुंधला है। तुम आकाश का लक्षण देखकर भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद नहीं बता सकते। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर यूनुस के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा। और वो उन्हें छोड़कर चला गया। चेले पार जाते समय रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना। वे आपस में विचार करने लगे, हम तो रोटी नहीं लाए। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या उन 5,000 की 5 रोटी स्मरण नहीं करते, और ना ये कि कितनी टोकरियां उठाई थी, और ना उन 4,000 की 7 रोटी, और ना ये कि कितने टोकरे उठाए गए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा, फरीसियों और सदूकियों के खमीर से चौकस रहना? तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से चौकस रहने को कहा था। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कितने तो योहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, और कितने एलिया और कितने यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लोहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊँ और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं।
इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर छिड़कने लगा। हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तुझ पर ऐसा कभी न होगा। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्ग दूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कितने ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लें, तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। अध्याय 17। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य की नाई चमका और उसका वस्त्र ज्योति की नाई उजला हो गया, और देखो मूसा और एलिय्याह उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, इच्छा हो तो यहाँ 3 मंडप बनाओ, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। वो बोल ही रहा था कि देखो एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया, और देखो उस बादल में से यह शब्द निकला, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाकर यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें ये आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से न जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। और उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिय्याह का पहले आना अवश्य है? उसने उत्तर दिया, एलिय्याह तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिय्याह आ चुका और उन्होंने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में व पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वो उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हटीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने उसे घुड़का और दुष्ट आत्मा उसमें से निकल गया और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम इसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वो चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी न होगी। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। जब वे
कफरनहूम में पहुंचे तो मंदिर के लिए कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता तो है। जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले उससे कहा, हे शमोन, तू क्या समझता है पृथ्वी के राजा महसूल या कर किनसे लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उनसे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं? तू झील के किनारे जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले और उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। अध्याय 18। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा, और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो गहरे समुद्र में डुबोया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना तो अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो काटकर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो हाथ या दो पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए, और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि दो आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। तुम क्या समझते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़े हों और उनमें से एक भटक जाए तो क्या 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को न ढूंढेगा? और यदि ऐसा हो कि उसे पाए तो मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है ये इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नाश हो। यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा, यदि वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और यदि वो ना सुने तो और एक दो जन को अपने साथ ले जा कि हर एक बात दो या तीन गवाहों के मुंह से ठहराई जाए। यदि वो उनकी भी न माने तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वो कलीसिया की भी न माने तो तू उसे अन्य जाति और महसूल लेने वाले के समान जान। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन के हों तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं, क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का ऋणी था। जब
चुकाने को उसके पास कुछ न था तो उसके स्वामी ने कहा, ये और इसकी पत्नी और लड़के वाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वो कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका ऋण क्षमा किया। परंतु जब वो दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार धारता था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तेरे ऊपर ऋण है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने न माना परंतु जाकर उसे बंदी गृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज भर न दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास ये जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तो तेरा वो पूरा कर्ज क्षमा किया। सो जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसी ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वो सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। अध्याय 19। जब यीशु ये बातें कह चुका तो गलील से चला गया और यहूदिया के देश में यर्दन के पार आया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने उन्हें वहां चंगा किया। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हरेक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे, सो वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों यह ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और तुमसे कहता हूँ, जो कोई व्यभिचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वो व्यभिचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से विवाह करे वो भी व्यभिचार करता है। चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा, सब ये वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको ये दान दिया गया है, क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। जो इसको ग्रहण कर सकता है वो ग्रहण करे। तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वो उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। और वो उन पर हाथ रखकर वहां से चला गया। और देखो, एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है,
पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, ये कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वो जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। फिर तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। ये सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, नई उत्पत्ति में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या लड़के वालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं पहले होंगे। अध्याय 20। स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है, जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए, और उसने मजदूरों को 1 दिनार रोज पर ठहराकर उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। फिर पहर एक दिन चढ़े निकलकर और अनेकों को बाजार में बेकार खड़े देखकर उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। सो वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया, और 1 घंटा दिन रहे, फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहां दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दे। सो जब वे आए जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जो पहले आए उन्होंने ये समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 ही 1 दिनार मिला। जब मिला तो वे गृहस्थ पर कुड़कुड़ा कर कहने लगे, इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने हमारे बराबर कर दिया। जिन्होंने दिन भर का भार उठाया और धूप सही, उसने उनमें से एक को उत्तर दिया, हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता, क्या तूने मुझसे 1 दिनार न ठहराया था? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा ये है कि जितना तुझे उतना ही इस पिछले को भी दूं। क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहूं सो करूं? क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है? इसी रीति से जो पिछले हैं वे पहले होंगे, और जो पहले हैं वे पिछले होंगे। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं, और मनुष्य का पुत्र महायाजकों
और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्टों में उड़ाए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाएं और वो तीसरे दिन जिलाया जाएगा। तब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ उसके पास आकर प्रणाम किया और वो उससे कुछ मांगने लगी। उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वो उससे बोली, ये कह कि मेरे ये दो पुत्र तेरे राज्य में एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उत्तर दिया, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा कटोरा तो पियोगे पर अपने दाहिने बाएं किसी को बैठाना मेरा काम नहीं, पर जिनके लिए मेरे पिता की ओर से तैयार किया गया उन्हीं के लिए है। ये सुनकर दसों चेले उन दोनों भाइयों पर क्रुद्ध हुए। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वे उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा न होगा। जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने और जो तुम में प्रधान होना चाहे वो तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली और देखो दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे ये सुनकर कि यीशु जा रहा है पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, पर वे और भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु ये कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। अध्याय 21। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने दो चेलों को ये कहकर भेजा, अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहो प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वो तुरंत उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्य वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर बैठा है वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वो उन पर बैठ गया और बहुतेरे लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। और अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब महायाजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होशाना पुकारते हुए देखा
तो क्रोधित होकर उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने स्तुति सिद्ध कराई? तब वो उन्हें छोड़कर नगर के बाहर बैतनियाह को गया और वहाँ रात बिताई। भोर को जब वो नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल न लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, ये अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह न करो तो न केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। वो मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था कि महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने उसके पास आकर पूछा, तू ये काम किस अधिकार से करता है और तुझे ये अधिकार किसने दिया है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यदि वो मुझे बतलाओगे तो मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा कहाँ से था? स्वर्ग की ओर से या मनुष्यों की ओर से था? तब वे आपस में विवाद करने लगे, यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वो हमसे कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों ना की? और यदि कहें मनुष्य की ओर से तो हमें भीड़ का डर है, क्योंकि वे सब यूहन्ना को भविष्यद्वक्ता जानते हैं। सो उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उसने भी उनसे कहा, तो मैं भी तुम्हें नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। तुम क्या समझते हो? किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, हे पुत्र, आज दाख की बारी में काम कर। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, परंतु पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर ऐसा ही कहा। उसने उत्तर दिया, जी हाँ, जाता हूँ, परंतु नहीं गया। इन दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने कहा, पहले ने। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, महसूल लेने वाले और वेश्या तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं, क्योंकि यूहन्ना धर्म के मार्ग से तुम्हारे पास आया और तुमने उसकी प्रतीति न की, पर महसूल लेने वालों और वेश्याओं ने उसकी प्रतीति की, और तुम ये देखकर पीछे भी न पछताए कि उसकी प्रतीति कर लेते। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्थ था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठीका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़कर किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को पत्थर वाह किया। फिर उसने और दासों को भेजा जो पहलों से अधिक थे, और उन्होंने उनसे भी वैसा ही किया। अंत में उसने अपने पुत्र को उनके पास ये कहकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, ये तो वारिस है, आओ उसे मार डालें और उसकी मीरास ले लें। और उन्होंने उसे पकड़ा और दाख की बारी से बाहर निकालकर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? उन्होंने उससे कहा, वो उन बुरे लोगों को बुरी रीति से नाश करेगा और दाख की बारी का ठीका अन्य किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में ये नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को
राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। जो इस पत्थर पर गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर ये गिरेगा उसको पीस डालेगा। महायाजक और फरीसी उसके दृष्टांतों को सुनकर समझ गए कि वो उनके विषय में कहता है और उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, परंतु लोगों से डर गए क्योंकि वो उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। अध्याय 22। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवता हारियों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और दासों को ये कहकर भेजा कि नेवता हारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूं और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। राजा ने क्रोध किया और अपनी सेना भेजकर उन हथियारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है परंतु नेवताहारी योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठे किया और विवाह का घर जेवनहारों से भर गया। जब राजा जेवनहारों को देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। सो उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास ये कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या समझता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं? यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दीनार ले आए। उसने उनसे पूछा, ये मूर्ति और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वो कैसर को और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। ये सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। उसी दिन सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं, उसके पास आए और उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने कहा था कि यदि कोई बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह करके अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे, पहला विवाह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और 7 तक यही हुआ। सबके बाद वो स्त्री भी मर गई, सो जी उठने पर वो उन 7 में से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वो सबकी पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो, क्योंकि जी उठने पर विवाह शादी न होगी परंतु वे स्वर्ग में
परमेश्वर के दूतों की नाई होंगे। मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने ये वचन नहीं पढ़ा जो परमेश्वर ने तुमसे कहा कि मैं इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। वो तो मरे हुओं का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर है। ये सुनकर लोग उसके उपदेश से चकित हुए। जब फरीसियों ने सुना कि उसने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वो इकट्ठे हुए और उनमें से एक व्यवस्थापक ने परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्य वक्ताओं का आधार है। जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या समझते हो, वो किसकी संतान है? उन्होंने उससे कहा, दाऊद की। उसने उनसे पूछा, तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पावों के नीचे न कर दूं। भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वो उसका पुत्र क्यों कर ठहरा? उसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका। पर उस दिन से किसी को फिर से उससे कुछ पूछने का हियाव न हुआ। 23वां अध्याय। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिसका उठाना कठिन है बांधकर मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। जेवनारों में मुख्य मुख्य जगहें और सभा में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल और थल में फिरते हो, और जब वो मत में आ जाता है तो उसे अपने से दूना नरकीय बना देते हो। हे अंधे अगुओ, तुम पर हाय! जो कहते हो कि यदि कोई मंदिर की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु यदि कोई मंदिर के सोने की सौगंध खाए तो उससे बंध जाएगा। हे मूर्खों और अंधो, कौन बड़ा है, सोना या मंदिर जिससे सोना पवित्र होता है? फिर कहते हो यदि कोई वेदी की शपथ खाए तो कुछ नहीं, परंतु जो भेंट उस पर है यदि कोई उसकी शपथ खाए तो बंध जाएगा। हे अंधो, कौन बड़ा है, भेंट या वेदी जिससे भेंट पवित्र होती है? इसलिए जो वेदी की शपथ खाता है वो उसकी, और जो कुछ उस पर है उसकी भी शपथ खाता है, और जो मंदिर की शपथ खाता है वो उसकी और
उसमें रहने वालों की भी शपथ खाता है, और जो स्वर्ग की शपथ खाता है वो परमेश्वर के सिंहासन की और उस पर बैठने वाले की भी शपथ खाता है। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम पुदीने और सौंफ जीरे का दसवां अंश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि तुम इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। हे अंधे अगुओ, तुम मच्छर को तो छान डालते हो परंतु ऊंट को निगल जाते हो। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो परंतु वे भीतर अंधेर और असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हों। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती हैं, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हैं। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय! तुम भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें संवारते और धर्मियों की कब्रें बनाते हो, और कहते हो कि यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते तो भविष्यद्वक्ताओं की हत्या में उनके साझी न होते। इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम भविष्यद्वक्ताओं के घातकों की संतान हो। सो तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा भर दो। हे सांपो, हे करैतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? इसलिए देखो, मैं तुम्हारे पास भविष्यद्वक्ताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ, और तुम उनमें से कितनों को मार डालोगे और क्रूस पर चढ़ाओगे, और कितनों को अपनी सभाओं में कोड़े मारोगे और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। धर्मी हाबील से लेकर बिरियाह के पुत्र जकरयाह तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लोहू पृथ्वी पर बहाया गया है, वो सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन्हें पत्थर वाह करता है, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठे करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठे कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, अब से जब तक तुम न कहोगे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। अध्याय 24। जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। उसने उनसे कहा, क्या तुम ये सब नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। और जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था, चेलों ने अलग उसके पास जाकर कहा, हमसे कह के ये बातें कब होंगी, और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम युद्ध और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूइंडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी, तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे।
और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पड़े वो समझे, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को न उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे न लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या विश्राम के दिन भागना न पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी न बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा दें। देखो मैंने पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें, देखो वो जंगल में है, तो बाहर न निकल जाना, देखो वो कोठरियों में है, तो प्रतीति न करना, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमक जाती है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहां लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा, और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा, और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे, और वो तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक ये सब बातें पूरी न हो लें, तब तक ये पीढ़ी जाती न रहेगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे, वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक की नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता हो कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। सो वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वो जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वो उसे अपनी सारी संपत्ति पर सरदार ठहराएगा। परंतु यदि वो दुष्ट दास
सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पियक्कड़ों के साथ खाए पिए तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वो उसकी बाट न जोहता हो और ऐसी घड़ी कि वो न जानता हो और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग कपटियों के साथ ठहराएगा, वहां रोना और दांत पीसना होगा। 25वां अध्याय। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुमारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊंघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुमारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि संभव है हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो ये है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थीं तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थीं वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और उससे 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े समय में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है, सो मैं डर गया और जाकर 13 तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख जो 13 है वो ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे
वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना होगा। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्ग दूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। जैसा रखवाला भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसा ही वो उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वो भेड़ों को अपनी दहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ी करेगा। तब राजा अपनी दहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वो मेरे ही साथ किया। तब वो बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वो उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वो मेरे साथ नहीं किया, और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अध्याय 26। जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि दो दिन के बाद फसह का पर्व होगा और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब महायाजक और प्रजा के पुरनिय काइफा नाम महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डालें, परंतु वे कहते थे कि पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए। जब यीशु बैतनियाह में शमौन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमोल इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वो भोजन करने बैठा था तो उसके सिर पर उंडेल दिया। ये देखकर उसके चेले ऋषि आए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया? ये तो अच्छे दाम पर बिककर कंगालों को बांटा जा सकता था। ये जानकर यीशु ने उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते हो? उसने मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव ना रहूंगा। उसने मेरी देह पर जो ये इत्र उंडेला है, वो मेरे गाड़े जाने के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, सारे जगत में जहाँ कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम का वर्णन भी उसके स्मरण में किया जाएगा। तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं, तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए, और वो उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा।
अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में फुलाने के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। सो चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। जब सांझ हुई तो वो बारहों के साथ भोजन करने के लिए बैठा। जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। इस पर वे बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वो मैं हूं? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। मनुष्य का पुत्र तो जैसा उसके विषय में लिखा है जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुष्य का जन्म ना होता तो उसके लिए भला होता। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या वो मैं हूँ? उसने उससे कहा, तू कह चुका। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वो लोहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊं। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी, परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर न खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही रात को मुर्गे के बांग देने से पहले तू तीन बार मुझसे मुकर जाएगा। पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी हो तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नाम एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। और वो पतरस और जब्दी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहां तक कि मेरे प्राण निकला चाहते हैं। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी, और उन्हें छोड़कर फिर चला गया और वही बात फिर कहकर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, देखो
घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। वो ये कह ही रहा था कि देखो, यहूदा जो बारहों में से एक था आया और उसके साथ महायाजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये पता दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार काठी में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वो स्वर्ग दूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है क्यों कर पूरी होगी? उसी घड़ी यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु ये सब इसलिए हुआ है कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए और यीशु के पकड़वाने वाले उसको काइफा नाम महायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और पुरनिय इकट्ठे हुए थे। और पतरस दूर से उसके पीछे महायाजक के आंगन तक गया और भीतर जाकर अंत देखने को प्यादों के साथ बैठ गया। महायाजक और सारी महासभा यीशु को मार डालने के लिए उसके विरोध में झूठी गवाही की खोज में थे, परंतु बहुत से झूठे गवाहों के आने पर भी न पाई। अंत में दो जनों ने आकर कहा, इसने कहा है मैं परमेश्वर के मंदिर को ढा सकता हूँ और उसे 3 दिन में बना सकता हूँ। तब महायाजक ने खड़े होकर उससे कहा, तू कोई उत्तर नहीं देता, ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु यीशु चुप रहा। महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवते परमेश्वर की शपथ देता हूँ, यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे ये भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो, तुमने अभी ये निंदा सुनी है, तुम क्या समझते? उन्होंने उत्तर दिया, ये वध होने के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे और उन्हें थप्पड़ मारकर कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कहे, किसने तुझे मारा? और पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने ये कहकर इनकार किया और कहा, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। जब वो बाहर डेवड़ी में चला गया तो दूसरी ने उसे देखकर उनसे जो वहाँ थे कहा, ये भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद जो वहाँ खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर उससे कहा, तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तब वो धिक्कार देने और शपथ खाने लगा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। और तुरंत मुर्ग ने बांध दी। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात स्मरण आई कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वो बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा।
अध्याय 27। जब भोर हुई तो सब महायाजकों और लोगों के पुरनियों ने यीशु के मार डालने की सम्मति की और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पीलातुस हाकिम के हाथ में सौंप दिया। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया है तो वो पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के महायाजकों और पुरनियों के पास फेर लाया और कहा, मैंने निर्दोषी को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। महायाजकों ने उन सिक्कों को लेकर कहा, इन्हें भंडार में रखना उचित नहीं, क्योंकि ये लहू का दाम है। सो उन्होंने सम्मति करके उन सिक्कों से परदेशियों के गाड़ने के लिए कुम्हार का खेत मोल ले लिया। इस कारण वो खेत आज तक लहू का खेत कहलाता है। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ कि उन्होंने वे 30 सिक्के अर्थात उस ठहराए हुए मूल्य को जिसे इज़राइल की संतान में से कितनों ने ठहराया था ले लिया, और जैसे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी वैसे ही उन्हें कुम्हार के खेत के मूल्य में दे दिया। जब यीशु हाकिम के सामने खड़ा था तो हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उससे कहा, तू आप ही कह रहा है। जब महायाजक और पुरनिये उस पर दोष लगा रहे थे तो उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। इस पर पीलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे विरोध में कितनी गवाहियां दे रहे हैं? परंतु उसने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि हाकिम को बड़ा आश्चर्य हुआ। और हाकिम की ये रीति थी कि उस पर्व में लोगों के लिए किसी एक बंधुए को जिसे वे चाहते थे छोड़ देता था। उस समय बरब्बा नाम उन्हीं में का एक नामी बंधुआ था। सो जब वे इकट्ठे हुए तो पीलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वो जानता था कि उन्होंने उसे डाह से पकड़वाया था। जब वो न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। महायाजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वे बरअब्बा को मांग लें और यीशु को नाश कराएं। हाकिम ने उनसे पूछा, इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बरअब्बा को। पीलातुस ने उनसे पूछा, फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? सब ने उससे कहा, वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों, उसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाकर कहने लगे, वो क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पीलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ होता जाता है तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लोहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लोहू हम पर और हमारी संतान पर हो। इस पर उसने बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को घोड़े लगवा कर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब हाकिम के सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके जहू को इकट्ठी की और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमिजी बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टे में उड़ाने लगे, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका
और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो वो बागा उस पर से उतार कर फिर उसी के कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। बाहर जाते हुए उन्हें शमौन नाम एक कुरैनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले और उस स्थान पर जो गुलगुता नाम की जगह अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाख रस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना न चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया, ये यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ दो डाकू एक दाहिने और एक बाएं क्रूसों पर चढ़ाए गए और आने जाने वाले सिर हिला हिला कर उसकी निंदा करते थे और ये कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और तीन दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतरा। इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों और पुरनियों समेत ठट्टा कर करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। ये तो इसराइल का राजा है, क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, यदि वो इसको चाहता है तो आप इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्दों से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने ये सुनकर कहा, वो तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और उन्हें कहा, रह जाओ, देखें एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती ढोल गई और चट्टाने तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठी और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूई डोल और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। वह बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी दूर से ये देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। जब सांझ हुई तो यूसुफ नाम अरिमतिहा का एक धनी मनुष्य जो आप ही यीशु का चेला था आया। उसने पीलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। इस पर पीलातुस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने लाश को लेकर उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई थी और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया। और मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, महायाजकों और फरीसियों ने पीलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था मैं तीन दिन के बाद जी उठूंगा, सो आज्ञा दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए, ऐसा न हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाए और लोगों से कहने लगे
कि वह मरे हुओं में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरे तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली करो। सो वे पहरुओं को साथ लेकर गए और पत्थर पर मुहर लगाकर कब्र की रखवाली की। अध्याय 28। सब्त के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पह फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भुई डोल हुआ, क्योंकि प्रभु का एक दूत स्वर्ग से उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले की नाई उज्जवल था। उसके भय से पहरुए कांप उठे और मृतक समान हो गए। स्वर्ग दूत ने स्त्रियों से कहा, तुम मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो यहां नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहां प्रभु पड़ा था, और शीघ्र जाकर उसके चेहरे से कहो वो मृतकों में से जी उठा है। और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहां उसका दर्शन पाओगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया। और वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गई, और देखो यीशु उन्हें मिला और कहा, सलाम। और उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। तब यीशु ने उनसे कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। वे जा ही रही थीं कि देखो पहरुओं में से कितनों ने नगर में आकर पूरा हाल महायाजकों से कह सुनाया। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, ये कहना कि रात को जब हम सो रहे थे तो उसके चेले आकर उसे चुरा ले गए, और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी तो हम उसे समझा लेंगे और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। सो उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे वैसा ही किया, और ये बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। और 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं।